डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच ना वी आर डिस्कसिंग इज डिस्कसिंगसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विद रेफर टू कशन साइंस एंड लेबल्स कशंस साइंस एंड लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेश के अंदर मुख्तु किस्म की साइट्स होती हैं वहाँ पे जो मुख्तु साइन बोर्ड हैं लेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और यही चीज़ें गाइड करती हैं इम्प्लॉज़ को कि किस तरफ उन्हें मूव करना है कहाँ पे एहतियात करनी है कहाँ पे वेट वेट है कहाँ पे ड्राई है कहाँ पे फ्लोर किस किस्म का है किस किस्म का मटेरियल वहाँ यूज़ हो रहा है किस किस्म की वहाँ मशीनरी है किस किस किस्म के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हैं वहाँ पर तो ये तमाम चीज़ें हमें काशियन साइंस एंड लेबल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन एंड एनआरसी रिक्वायर काशन साइन एंड रेडिएशन एरिया पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जो रेडिएशन एरियाज हैं उनसे बाहर लिखा जाता है प्रिकॉशंस देयर इज आ रेडिएशन एरिया ताकि इम्प्लाईज़ को बताया जा सके कि वो जो रेडिएशन एरिया है उससे अवॉइड किया जा सके और किस तरह वहाँ पे इम्प्लाई का जाना मना किया गया है फिगर ट्वेंटी वन डैश थ्री शोज द यूनिवर्सल सिम्बल्स फॉर रेडिएशन अलॉन्ग विद दी अप्रोप्रिएट वार्निंग वर्ड्स the symbol शुड बी यूज ऑन साइंस एंड labels. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे वार्निंग अगर आप लोगों ने लेबल लगाने हैं या गाइडलाइन के लिए लेबल लगाने हैं तो इम्प्लॉ को प्रॉपर वो इतने ज़्यादा बोल्ड हों इतने क्रिस्टल क्लियर हों और इम्प्लॉई को ट्रेनिंग दी जाए उनको उन सब चीज़ों से पहले फेमिलियर किया जाए ताकि इम्प्लॉ उससे अवॉइड कर सके डी स्टूडेंट्स ये पिक्टोरियल इफेक्ट है कशन रेडिएशन एरिया ये स्टैंडाइज सिंबल्स हैं जो अक्सर यूज किए जाते हैं यूनिवर्सल रेडिएशन सिंबल सैंपल वार्निंग साइन अब ये दोनों जो सिंबल्स हैं ये बेसिकली हमारे लिए गाइडलाइंस हैं ताकि हमें पता चल सके कि वहां पे जब इंप्लाई ने एंटर होना है अगर इंप्लाई की एंट्री मना है तो वहां पे वो एंटर नहीं होगा अवैक्यूशन अवैक्यूशन वार्निंग सिग्नल्स एवैक्यूशन वहाँ से बच के निकलना अवैक्यूएट करना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन डिस्क्राइब्स दी अवैक्शन वार्निंग सिग सिग्नल सिस्टम एज फॉलोज द सिग्नल शेड बी मिड फ्रिक्वेंसी कम्प्लेक्स साउंड वेव एप्टीट्यूड इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो भी वहाँ पर वार्निंग है आपने वहाँ से निकलना है आपने वहाँ पर एंटर होना है स्पेसफिक फ्रिक्वेंसी कितनी है एवरेज फ्रिक्वेंसी कितनी है हाइस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखना होता है अवेक्यूशन वार्निंग सिग्नल

तो स्टैंड परमानेंट होनी चाहिए अगर वो पिक्टोरियल इफेक्ट है तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों के मतलब डी स्टूडेंट्स लेबलिंग की हम बात कर रहे हैं आल एम्प्लाईज मस्ट बी इंफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग रेडिएशन हैजर्ड्स एंड वेयर दे एग्जिस्ट रेडिएशन कहाँ पे हैं किस कमरे में हैं वो मशीनरी कहाँ है किस हाल में है किस सेंट्रल प्लेस पे है ताकि उसके साउंडिंग एरियाज के अंदर रेडिएशन की साइन हो ताकि इंप्लाई वहाँ से अवॉइड कर सके

वार्निंग्स हो, लेबल्स हो ताकि एम्प्लाई उनके मतलब मालूम हासिल करने के बाद वहाँ पर एंटर हो सके ट्रांसफर टू एन अनऑथ्राइड रेसिपियंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड पॉइंट देखें ट्रांसफ़र इन अ मैनर अप्रूव्ड बाई द एटॉमिक एनर्जी कमीशन अगर आपने कोई इस किस्म का मटीरियल वहाँ पर यूज़ करना है तो प्रॉपर अटोमिकर्जी कमीशन से उसकी अप्रूवल हो उसके बाद उसके एस ओ पी फॉलो हों उन फॉलो करने के बाद उसकी ट्रेनिंग हो और वो बंदा जो वेल well ट्रेंड है वो फिर उसको कंट्रोल करे एक अनऑथोडाइज बंदे की एंट्री वहां पे मुकम्मल बैन हो एन इंसिडेंट इज डिफाइंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन एज फॉलो एक्सपोजर ऑफ द होल बॉडी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू और मोर ऑफ रेडिएशन अगर इससे ज्यादा है या वन फिफ्टी तक है या थ्री सेवनटी फाइव तक है तो वहां पर यह देखा जाएगा कि ये चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है कौन सी एक्सेप्टेबल है कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है कौन तो सी उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इसकी जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं उसका आपने ख्याल रखना है उससे बिलो लेवल के ऊपर आपने वर्किंग करनी है अगर उससे ज़्यादा है तो वो एम्प्लाई के लिए हार्मफुल है नुकसानदेह है वहाँ पर एम्प्लाई का जाना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है और तमाम जो आपने वीरिंग जैकेट्स पहननी है उसके बगैर वहाँ पर एंट्री आपकी मना होगी द नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट आर इज टू ट्वेंटी फोर आर इन केसेज वेयर होल बॉडी एक्सपोजर इज बिटवीन फाइव एंड ट्वेंटी फोर एम ये वो स्टैंडर्ड्स हैं पाँच से चौबीस तक तीस से एक सौ उनचास तक या yes इसके अलावा सेवेंटी फाइव से थ्री सेवनटी फाइव तक इससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है वो भी किसके लिए अगर आप स्किन की बात करें फोर आर्म्स की बात करें एंकल्स की बात करें फीट की बात करें तो हर चीज़ का एक्सपोजर लेवल डिफरेंट होता है उसके मुताबिक वहाँ पर आपने उसको मैनेज करना है एम्प्लायर्स आर रिक्वायर टू फॉलो अप विद रिपोर्ट विद इन थर्टी डेज रिपोर्ट्स एंड रेकर्ड्स ऑफ ओवर एक्सपोजर अगर ज़्यादा हीट आपने ले ली या ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर रेडिएशन का सामना करना पड़ गया तो विद इन थ्री डेज यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट ताकि इंप्लाई की बाकायदा ट्रीटमेंट हो सके उसके बाद एम्प्लॉ को वर्किंग जॉब पर आना चाहिए ईच रिपोर्ट शुड कंटेन द फॉलोइंग मटीरियल एज एप्लीकेबल एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ एम्प्लॉज़ टू रेडिएशन आ रेडियो एक्टिव मटीरियल इसमें उसके लेवल और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं वो सारी इम्प्लाई का रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी और जो एम्प्लॉ वहाँ जॉब कर रहा है ख़ास तौर पर वो अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सबमिट करेगा कि कहीं उसकी जो हेल्थ है उसको नुकसान का सामना तो नहीं करना पड़ सकता अगर वो चीज़ें रेडिएशन बहुत ज़्यादा हैं तो उसके मुताबिक फिर एम्प्लॉ की बजाय रिमोट वहाँ पे या रिबोट सिस्टम या कोई और मेकनिज़म डेवलप किया जा सकता है कमोलेटिव रेडिएशन एक्ट मस्ट बी मेड अवेलेबल टू फार्मर एम्प्लॉज ऑन रिक्वेस्ट पिछली और तमाम अकामोलेटेड रेडियशन का मतलब होता है कि जिसमें तमाम रेडियशन जमा होती चली जाए उसे अकामोलेटेड कहते हैं जैसे एक जी होता है हर सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज और जब दो सेमेस्टर के एवरेज ग्रेड पॉइंट की बात करें तो ये सी बन जाता है जिसको ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन सच रिपोर्ट शैल बी विद विदी डेज द रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल डिपोजिटेड इन द बॉडी ऑफ द इम्प्लाईज़ ये चीज़ें बाकायदा किसी रिपोर्ट में जनरेट की जा सकती हैं या जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो आपको ये रिपोर्ट बना के देंगे अगर ये साइन ऑफ इंटर में देखें डी स्टूडेंट्स और इन्वेटेड कामर्स में देखें जो चीज़ मैंने लिखी है यू शुड प्रिजर्व दिस रिपोर्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस ताकि आने वाले इंप्लाइज को आप गाइड कर सकें ये वो यहाँ पे डाइग्राम है डी स्टूडेंट्स जो इन सब चीज़ों को कंक्लूड कर रहा है